दिव्यांग बच्चों के लिए खेलो इंडिया स्कीम के तहत भोपाल में हुए राज्य स्तरीय खेल में रीवा के श्रेयस का राष्ट्रीय टीम में हुआ चयन। सरकार की खेलो इंडिया स्कीम के तहत सामान्य बच्चों की तरह दिव्यांग बच्चों को भी खेल के क्षेत्र में अपने हुनर का जलवा दिखाने का मौका मिला है। राज्य स्तरीय आयोजन में खेलो इंडिया स्कीम के तहत रीवा के स्नेह शिक्षा एवं मानव सेवा संस्थान के 8 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें बच्चों ने 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 8 कांस्य पदक जीते। साथ ही श्रेयस विश्वकर्मा का साइकिलिंग में राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है। जीत के बाद सभी बच्चों ने रीवा पहुंचकर रीवा कमिश्नर से मुलाकात की, साथ ही कमिश्नर ने भी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना कर उन्हें आगे बढ़ने को कहा। ये सर स्टेट लेवल में खेल के आए हैं, जबलपुर से पिपलानी, भेल पिपलानी से जबलपुर से खेल के आए। ये सॉफ्टबॉल है, बोची है, बैडमिंटन है और तैराकी है, टेबल टेनिस है। सभी प्रकार की विधाएं हुई थी जिसमें अपने स्कूल से एथलेटिक्स, सॉफ्टबॉल थ्रो, बोची और आपके तैराकी में अपने बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, स्टेट खेल के आए हैं और 12 मेडल लेके आए हैं, जिसमें 7 सिल्वर है, 2 गोल्ड है और 3 कांस्य पदक। नहीं, हमारा एक बच्चा जो है इंटरनेशनल खेलने के लिए जो आबू धाबी जाएगा 2019 में, वो संभावना। कौन बच्चा है ये? सारा है, श्रेयस विश्वकर्मा। ये साइकिलिंग में जाएगा सर।